विद मी योर मस्त मस्त आरजे माला, और साथ में है हमारे द फेमस सूफी सिंगर यामिनी रावत. और अब हम उनसे बात करेंगे और उनका बहुत ही बेहतरीन सा जो गाना है आज उनकी मीठी मीठी आवाज में सुनेंगे. हाय यामिनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ. मुझे लग रहा है कि आपने मतलब इतनी घनघोर आवाज के साथ, एक्सप्रेशन के साथ जो बातें कहीं मुझसे फोन पर पहले ऑफ एयर, उसकी वजह से कहीं कुछ ऐसा हुआ कि लिंक टूट गया. बट नो प्रॉब्लम, अभी हम बात करेंगे आपसे. ये बताइए यामिनी, आपने म्यूजिक की जो लर्निंग है, म्यूजिक आपने कहाँ से सीखा और आजकल किस तरह के प्रोग्राम्स आप करती हैं? मैंने शुरुआत में जो मेरी दीदी थी उनसे शुरुआत की थी, उन्होंने मुझे काफी अच्छा सिखाया. उसके बाद मुझे इंडिविजुअल ट्रेनिंग का टाइम या फिर कह सकते हैं कि मौका नहीं मिला. मैंने गांधर्व में जाकर भी सीखा, और उसके बाद मैंने फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से मैंने ग्रेजुएशन किया. मास्टर्स मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया. और राइट नाउ मैं सोनिया रॉय जी हैं इंदौर घराने की, उनसे ट्रेनिंग ले रही हूँ. ओके, तो मतलब आपने प्रॉपर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है? हाँ जी. ओके, तो फिर ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से जो आपका स्विच हुआ टुवर्ड्स शोज, टुवर्ड्स बॉलीवुड म्यूजिक, ये कैसे हुआ, ये चेंज कैसे हुआ लाइफ में? एक्चुअली मैंने वही बताया ना कि मैंने किसी पर्टिकुलर गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया. ओके. तो मुझे एक राइट पाथ नहीं मिला कि कैसे मैं, किस तरीके से मैं इंडियन क्लासिकल की तरफ और आगे परस्यू करूँ. और मुझे जो रास्ता दिखा, क्योंकि मुझे एज ए परफॉर्मर आगे बढ़ना था, तो मुझे रास्ता दिखा ऑर्केस्ट्रा बैंड और इन्हीं सब चीजों का. ओके. तो इस वजह से मैंने उस तरफ अपना रुझान दिखाया. बहुत बढ़िया, तो फिर अब एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया सा गाना आपकी तरफ से हो जाए, तो कुछ हो जाए आपकी तरफ से. जी बिल्कुल जी. तुझे तो है सुहा, तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है. तेरी आग में ही जलते कोयले से हीरा बनते, खाबों से आगे चलती है तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क तो पियाना मेरा, इश्क तो पियाना मेरा, इश्क तो पियाना हो तेरे वास्ते मेरा, इश्क तो पियाना मेरा, वाह वाह वाह, क्या बात है. मतलब माहौल पूरा सूफियाना कर दिया है आपने. यामिनी, आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे और भी काफी सारे गाने आपसे सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ये वाला गाना जो डेफिनेटली आपका फेवरेट है वो मेरा भी, और शुरुआत हो जाए. जी बिल्कुल. ओके. बस तेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह दिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे, मैंना बिछड़ के आज रो दी है, मैंना जो मिल के रात जागते थे, मैंना शहर में पल के नीचते है, जुदा हुई कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, दिल की चलेंगे हर दम, अब बांटती है ये गम भी नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं. सांस हैरान है, मन परेशान है,
हो रही थी, क्यों रुआसाई मेरी जान है, क्यों निराशा से आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा साथ में तूफान है, नैना, क्या बात है, खो गई मैं नैनों में। मतलब आपकी नैना तो मैंने देखी नहीं है, बट आपने मतलब यामिनी मुझे ऐसा लगता है आप मिश्री विश्री बहुत खाती होंगी, नहीं? Well, लेकिन ये कहना सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे लोग जो इस समय आपको सुन रहे हैं, जो आपकी आवाज़ के फैन हो चुके हैं, वो हमें मैसेज करके बता रहे हैं। अंशी ने हमें हस्तिनापुर से मैसेज किया है, व्हाट्सएप मैसेज किया है, और वो कह रही हैं कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और इस तरह के गाने वो अक्सर जब गाती होंगी शोज़ में तो डेफिनेटली वहाँ पर तो खूब जिसे कहते हैं कि माहौल बन जाता होगा, है ना? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू अंशी, आपने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। नहीं, संदीप ने भी, संदीप ने भी दिया है आपको एक कॉम्प्लीमेंट, और वो कह रहे हैं कि इस तरह का गाना अगर कोई हमें सुनाए तो हम तो मतलब पूरी पूरे दिन पूरी रात ऐसे ही गुजार दें और गाने ही सुनते रहें। जी बिल्कुल, आप मुझे और जगह भी सुन सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे मेरे चैनल है यामिनी रावत के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी आप 3012 यामिनी रावत के नाम से आप मुझे सर्च कीजिए, मैं आपको वहां मिलूंगी। फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है यामिनी रावत के नाम से। अरे वाह, तो ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया साइट पे आप मुझे देख सकते हैं, यामिनी रावत आप जस्ट सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगी। क्या बात है, तो फिर तो सौरभ अनेजा जो बहुत टाइम से ये कह रहे हैं कि मैम गाना सुनवाइए गाना सुनवाइए, तो अब तो बस ये है कि वो आपको ढूंढेंगे और आपसे कहेंगे कि मैम आप अपने गाने अपलोड कीजिए और मैं लगातार उसको लूप में सुनता रहूं। क्या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फैंस आपके यहाँ पर जुट गए हैं और आई होप उन्हें पता है कि आपको कैसे ढूंढना है, वो आपको ढूंढी लेंगे। वैसे यामिनी, आप शोज के अलावा और क्या करती हैं? जी मैं एक स्कूल में टीचर भी हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ म्यूजिक की। तो बस यही। क्या बात है, तो यामिनी रावत हमारे साथ इस प्रोग्राम में, आप उनको सुन रहे हैं, प्रोग्राम है शुक्र है शुक्रवार है और बहुत ही बेहतरीन गानों का कलेक्शन है उनके पास, बहुत बढ़िया अच्छे से माहौल बना दिया है। तो यामिनी जी, आपके लिए ये वाला गाना जो आपने गाया, अब जो ओरिजिनल वॉइस है उसमें हम सभी सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी हमारे साथ बनी रहिए और इसी तरह से हमारे लिसनर्स को एंटरटेन करती रहिए। थैंक यू सो मच।